ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सचिन पिळगावकर बालकलाकार चॉकलेट हिरो आणि आता डान्सचे महागुरु अशा अनेक भूमिका करत सचिन यांनी आपल्या कारकिर्दीची 50 वर्ष पूर्ण केलेली आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीला TV9 मानाचा मुजरा. सचिन पिळगावकर मराठी आणि हिंदी चित्रपट सृष्टीतलं नावाजलेलं नाव. मराठीतला चॉकलेट हिरो तर हिंदीतला बालकलाकार म्हणून सुरुवात केलेल्या सचिन यांनी आपल्या कारकिर्दीशी 50 वर्ष पूर्ण केली आहेत. यात त्यांना मुलाची साथ लाभली, आपल्या पत्नीची आणि मुलीची. या सुवर्ण युगाचा सोहळा नुकताच पार पडला, त्यानिमित्तानं चला. सचिन पिळगावकर बालकलाकार ते महागुरु. अनेक दिग्गजांबरोबर काम करताना सचिन बालकलाकार असतानाही कधीच डगमगला नाही. हा आपला मार्ग एकला म्हणत सचिननं प्रत्येक पाऊल टाकलं ते धीटपणे. रेडिओचे बादशाह अमित सयानी यांनी सचिनबद्दल काय सांगितलं ते ऐकूया चला त्यांच्याकडूनच. सचिन ने मुझे बताया कि जब वो छोटे से थे तो मजली दीदी एक फिल्म आई थी उनकी 1967 में, जिसमें मीना कुमारी थी उनकी बड़ी दीदी और ये छोटे से बच्चे थे. तो वैसे फिल्म में काम तो किया, इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिल्म के अलावा ऑफ द सेट भी मीना कुमारी से बहुत दोस्ती हो गई इनकी और बहुत करीब हो गए दोनों. और मीना इनको बिल्कुल अपना छोटा सा नन्ना मुन्ना भैया समझने लगी, बहुत प्यार करती थी इन्हें. और मीना कुमारी के साथ रहते हुए, बातचीत करते हुए, हंसते बोलते हुए इन्होंने बहुत कुछ सीखा. एक तो भाषा जो थी उनकी वो सुलझती चली गई. अरे साहब बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं. और मीना कुमारी आप शायद नहीं जानते बड़ी सुरीली भी थी और इसलिए गाना भी इन्होंने मीना जी के साथ शुरू किया था और गाते भी बहुत अच्छा है. एक चीज और मीना जी उनको सिखाना चाहती थी वो थी टेबल टेनिस, पिंग पोंग. उनके घर में पिंग पोंग का टेबल भी था लेकिन वो सिखा नहीं पाई क्योंकि उन दिनों जो हाइट थी ना सचिन की, मास्टर सचिन की, वो ऐसी थी कि वो टेबल के ऊपर तक उनकी गर्दन ठीक से पहुंचती नहीं थी, इसलिए वो नहीं सीखा उन्होंने. मगर जबान सीखी, अदाकारी सीखी और गाना भी सीखा इन्होंने मीना जी से. उसके अलावा मीना जी की वजह से, मीना जी की इन्फ्लुएंस की वजह से इन्होंने जो सीखा उर्दू बोलना, तो उसकी वजह से उनकी जबान जो है इतनी तराश कर इतनी खूबसूरत हो गई कि शीन खा बराबर उर्दू के बराबर आते हैं, हिंदी तो बोल ही लेते हैं वो. और मुबारकबाद के साथ साथ मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि बेटे सचिन, मैं इनको बेटा बोलता हूँ, मेरे सामने तो बहुत बच्चे थे, बेटे सचिन खुश रहो, हमेशा झूमते रहो, आगे बढ़ते रहो और कला और प्रेम और एकता और सत्य और प्रगति की राह पर सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ते रहो. ये कहते हुए कि गीत गाता चल, ओ साथी गीत गाता चल. सचिन कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशंस. ये खुद झुकेगा. तर शोलेतल्या बहारदार अभिनयानं सचिननं आपलं खणखणीत नाणं वाजवलं. त्यांच्याबद्दल रमेश सिप्पी यांनी गौरवोद्गार काढलेत. क्या पता था ये 50 साल में, या लगता ही नहीं है कि 50 साल हुए, बच्चा लग रहा है अभी तक. बहुत बहुत कमाल किए इन्होंने इन 50 साल में. और ब्रह्मचारी मुझे बहुत याद है, मेरे पिताजी ने ही प्रोड्यूस की थी ये फिल्म. मुझे याद है मैं पहली बार मुझे इस फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का क्रेडिट मिला था, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी पहचान थी वो. और सचिन तो बहुत बहुत प्यारा काम किया उसने. इमोशनल लिंक बच्चों में, जो एक ऑर्फनेज में पलते हैं, जो शम्मी कपूर साहब उनकी देखभाल करते हैं. और the most beautiful moment in the film was between Sachin and Shami ji and the children. तर जया बच्चन यांनी सचिन बरोबरची आपली आठवण सांगितली.
हर पहलू से गुजरते हुए देखा और मुझे याद है कि यंग था, टीनेजर रहा होगा, वो हमारे घर के सामने से अपने दोस्तों के साथ गाड़ियों में बहुत तेज भागा करता था। तो उससे शायद याद नहीं है, मैंने उसको एक दिन रोककर कहा था, सचिन इतनी तेज नहीं चलाया करो गाड़ी, तो हंस दिया था। मुझे याद है कि जब हमारी कंपनी थी और मैं प्रोडक्शन इंचार्ज थी, तो मैंने कहा था मैं कुछ लोगों को फिल्म डायरेक्शन देना चाहती हूँ, यानी कि जो जिनके साथ मैं फिल्म बनाना चाहूंगी, उसमें से सचिन एक थे। बहुत पर्सनल चीज है, मगर मुझे याद है कि जब उसने ABCL के लिए एक फिल्म बनाई थी और वो फिल्म हम रिलीज नहीं कर पाए क्योंकि हमारी कंपनी बहुत बुरे वक्त से गुजरी थी, तो उसको हम रिलीज नहीं कर पाए और मुझे बहुत बुरा लगता था और मुझे शर्म आती थी। और मुझे याद है कि उसने मुझे बहुत हिम्मत, और अगर ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक हो जाएगा, आप ये फिल्म के बारे में चिंता मत करिए और इसको अपने दिमाग से हटा दीजिए, हमको बनाना था हमने बना लिया। यावेळी सचिन यांनी केलेल्या हिंदी गाण्यावर अनेक मराठी कलाकारांनी परफॉर्मन्स सादर केला। यावेळी स्वप्नील जोशीला आपल्या भावना अनावर झाल्या। Somebody up there is very happy with me कि मेरे को ऐसा भाव मिला, हर भाग्य लगते हैं। वो एक्टिंग में सबका बाप है, वो डायरेक्शन का बाप है, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन एक बाप का किसी के लिए इतना कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, ये बहुत कम भार होता है लाइफ में। ऐसा बाप मिला, कधी कधी देव कुठेतरी क्षणी तथास्तु म्हणत असतो आणि असं म्हणतात की नेहमी चांगलं बोलावं आणि मग काहीतरी चांगलं होतं, नेव्हर नो कधी कोण तथास्तु म्हणत असतो। मला असं वाटतं की कोणतरी खरंच खूप करेक्ट वेळेला तथास्तु म्हटलंय आणि म्हणून मला सचिनजी इतकं प्रेम करतात। अभिनयाचा बादशहा अमिताभ बच्चन यांच्या उपस्थितीनं खुद्द सचिन भारावून गेला। अमिताभ बच्चन यांनी काढलेले हे गौरवोद्गार। और फिल्म इंडस्ट्री को हो गए हैं 100 वर्ष, इसमें से आधा समय आपका योगदान रहा है भारतीय फिल्म को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि और ये कोई आम आदमी नहीं कर सकते, जो लोग खास होते हैं वही कर पाते हैं और सचिन जी आप खास हैं, इसीलिए आपने 50 वर्ष का योगदान जो है हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, इसके लिए हम अपनी तरफ से और समस्त जितनी भी जनता है उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप 100 वर्ष गुजारें और अपना योगदान दें इस फिल्म इंडस्ट्री। गोल्डमैन बप्पी लेहरी यांनी सचिनच्या गाण्याने वातावरणात आनंदाची लहर पसरवली, त्याच्या गाण्यावर प्रेक्षकांनीही ताल धरला। संगीताची जादू काही वेगळीच असते। सचिन एक दिग्दर्शक, एक कलाकार आणि संगीतकार आणि गायक अशा अनेक भूमिका साकारताना सचिननं हा माझा मार्ग ऐकला असं म्हणत म्हणत पाहता पाहता 50 वर्षाचा पल्ला गाठला। ज्यावेळी गायक सोनू निगम यांनी आपल्या सुरांची जादू पसरवत सचिन यांचं अभिनंदन केलं। यावेळी आयुष्यभर सहचारिणी म्हणून पाठराखण करीत असलेल्या सचिन यांच्या सुविद्य पत्नी सुप्रिया यांनी आपल्या आठवणी सांगितल्या, त्यावेळी त्यांचे डोळे पाणावले। काय सांगितलं त्यांनी सचिन बद्दल ऐकूया त्यांच्याकडूनच। त्याला कारणही तुम्ही सगळे आहात, तुम्हाला माहिती आहे की एखाद्या पत्नीसाठी एखाद्या एवढ्या सगळ्या लोकांनी नवऱ्याचं कौतुक केलेलं
आईची बायको सतत नवऱ्याला काही ना काहीतरी बोलत असते, कारण शेवटी ती बायको असते. पण मी त्याच्यातल्या प्रत्येक शब्दाला मी सहमत आहे. त्यांच्यासाठीच्या 28 वर्षाचा संसार आहे. नक्कीच सर्व नाती आता आमची आहे, म्हणजे सखा, प्रिय, कर, पती, नवरा, म्हणजे नवरा म्हणजे नवरेशाही करणारा नवरा. आता तर ते माझं मुलंही झालेले आहेत, त्यांना दोन दोन आया आहेत. आणि हा माझा जो छोटासा सचिन आहे तो खरंच त्याच्यातली जी निरागसता आहे त्यामुळेच आज तो आहे. आपने जो गाना गाया उसके जो शब्द है हिरवा निसर्ग, त्याच्यानंतरची जी लिरिक्स आहेत की जीवन जगत राहायचं कशा पद्धतीने जगत राहायचं, आणि ते जीवन जगण्याचं शिक्षण मला यांच्याकडनं सतत मिळतं. तुमच्याकडे बघत नाही तर मी रडायला. तर मुलगी श्रेया हिनं आपल्या नृत्यातून आपल्या पित्याला दिलेली ही अनोखी भेट. मराठी बरोबरच हिंदी सिनेसृष्टीत सचिनांना आपला ठसा उमटवला. यावेळी माधुरी दीक्षित आणि अनिल कपूर यांनीही आपलं मनोगत व्यक्त केलं. ही एक तुमच्या रोज मन तुम्ही जी एक सादगी, एक इनसन्स जे पोर्ट्रे केलं ते खूप आवडायचं मला. आणि तुमचे इमोशनल सीन्स तुम्ही खूप सुरेख करायचा. तुमचं गाणं बडे अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम, हे अगदी तुम्हाला सूट करत असे मला वाटतं. 50 साल भी फिर पता ही नहीं चला, 50 साल हिंदुस्तानी स्क्रीन को आपने इतना, लोगों को, जनता को इतना एंटरटेन किया, मराठी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. जब मैंने पहली बार गीत गागा चल देखी थी और फिर उसके बाद आँखियों के झरोखों से, दोनों फिल्में मेरी फेवरेट फिल्म है. और उसके बाद भी काफ़ी फिल्मों में आपका काम मैंने देखा और पसंद किया, और अभी भी आपको, आपके काम को पसंद करता हूँ. सचिनच्या चाहत्यांमध्ये सगळ्यात मोठा सचिन दुसरा सचिन म्हणजेच अर्थात मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर. यावेळी सचिन तेंडुलकर याच्या हस्ते सचिनच्या हाच माझा मार्ग या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. तर सचिन तेंडुलकर यांनीही आपलं मनोगत व्यक्त केलं. अनेक मूवीज मी बघितल्या. तुम्ही वेगवेगळ्या कॅपॅसिटी मध्ये डिरेक्टर, ऍक्टर, रायटर, सिंगर, डान्सर, वेगवेगळे प्रोग्राम्स पण होस्ट केले, सगळीकडे तुम्हाला यश झाले तुमच्यावरती. आणि जसं आपण मगाशी डिस्कस करत होतो की तुमचं, मी विचारलं की तुमचा फेवरेट मराठी फिल्म कुठची, तर अशी ही बनवा बनवी हे त्यातला रोल माझाही सर्वात आवडता आहे तुमचा. आय थॉट ती मूवी बघितल्यानंतर एक क्रिकेटिंग टर्म्समध्ये एकच शब्द येतो की अ ट्रू ऑलराऊंडर. आपल्याबद्दल ऐकलेले हे गौरव उद्गार पाहून एका बाल कलाकारापासून सुरुवात केलेली आपल्या यशस्वी कारकिर्दीची 50 वर्ष पूर्ण केलेल्या खुद्द सचिन पिळगावकर यांनाही अखेर भावना अनावर झाल्या. आपल्या कारकिर्दीची 50 वर्ष त्यांनी आज यशस्वीपणे पूर्ण केली. त्यांच्या या यशस्वी सोनेरी कारकिर्दीला TV9 चा मानाचा मुजरा.